सर एक चार्ट देखिए, आर सिस्टम्स इंटरनेशनल है सर ये। जी सर मिल गया चार्ट। गैप ओपनिंग हुआ था, उसका कुछ अर्निंग आया था मेरे हिसाब से, और उसके बाद एक गैप ओपनिंग हुआ और 280 के बाद कंटिन्यूअसली ये बैक टू बैक तीन कैंडल गेट बना चुका है। जो पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था मतलब 6 सितंबर के आसपास, तो वही उसके लिए अभी क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। जिनका पोजीशन है वो लेना चाहते हैं, जिनका भी सवाल है, तो एक लेवल को आप ध्यान में रखें, यहाँ से ऑलमोस्ट 10 रुपए 250 ये लेवल को क्या करें, नोट करें। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो एग्जिट कर लेना। फिर से अगर ये 265 के ऊपर चला जाता है तो फिर से 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री कर दें। अभी एंट्री नहीं करनी है आपको? नहीं नहीं सर, मैं अवॉइड करूंगा थोड़ा सा एंट्री में, एंट्री के लिए अगर लेते भी हो, अगर लगता है कि यहाँ से मोमेंटम आने वाला है तो 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना और क्वांटिटी पहले कम कर लेना, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी जब होती है ना तो स्टॉप लॉस लेने की हिम्मत नहीं होती। बार बार मन में एक चीज आता है, यार बड़ी क्वांटिटी है, रुकता हो। अगर छोटी क्वांटिटी होती है और साइजेबल क्वांटिटी होती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो यार इतने लॉस में मैं एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर जब बड़ा क्वांटिटी होता है 10,000-50,000 के आसपास, सॉरी 5,000 के आसपास, तो जब लॉस वो 50,000 या फिर 1,00,000 रुपए दिखता है तो हिम्मत नहीं होती है लॉस बुक करने की। हम लोग वो होप्स में वेट करते रहते हैं, लेकिन छोटा क्वांटिटी होता है तो हम लोग वहां से निकल सकते। सर अगर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है और इसको खरीदना चाहता हूँ मैं पोर्टफोलियो के लिए, मान लीजिए, तो क्या लगता है आपको कि कोई या कोई लेवल आपको दिखता है कि जहां पे आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा टेक्निकली भी? हो सकता है मैंने फंडामेंटल्स पढ़ रखे हैं, टेक्निकल्स में आपसे पूछ रहा हूँ। 275 से लेके 282 इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा ही अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखा सकते हैं, तो वहां पे कॉन्फिडेंस बनेगा। आप कह रहे हैं कि उसके बाद एंट्री करते हैं तो अच्छा रहेगा उस रेंज में? जी।